Hello everybody, welcome back to this channel. मैं हूँ आकाश विमल. How you guys doing? I am back with another video. और अभी मैं हूँ in the heart of Aravallis and this place is beautiful. पर मैं ऐसे nature vlogs नहीं बना रहा क्योंकि मेरे nature vlogs कोई नहीं देखता है. तो anyways, मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं, आप लोग उनको जानते होंगे. So he was having macaws and there's a pair जो कि उनके पास है. और ना मेरे मुझसे बहुत लाखों लोगों ने ये पूछा है एंड दे आस्क मी ऑन डेली रेगुलर बेसिस कि व्हाई आर दे सो फ्रीकिंग एक्सपेंसिव. तो मैं उनके पास काफ़ी वी चिल आउट टुगेदर. सो उनके पास काफ़ी टाइम से मकाउज हैं. सो आई थॉट कि इसको जब मैं वीडियो फिल्म करूँगा सो लेट्स आई वॉन्टेड टू हैव रियल मकाउज विद मी. तो उनके साथ में ही सामने सामने एग्जाम्पल देते हुए बात करेंगे. इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मकाउज, कॉकटूज और जितने भी ये पैरट्स हैं, व्हाई आर दे सो ब्लडी एक्सपेंसिव. सो यस, लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड लेट्स गो. Everybody, yes, I have a very beautiful male, जिसको हम बोलते हैं ब्लू एंड गोल्ड मकाउ. और यू कैन जस्ट लुक एट हिम, हाउ इज ही सिटिंग. ये बहुत ही प्यार से बैठ के मुझे देख रहा है. सो यस, आई एम अ लिटिल स्केर्ड ऑफ देम क्योंकि बहुत बड़े पक्षी होते हैं. और ये अगर चाहे तो ये एक बार में मेरी उंगली अलग करके मेरे ही हाथ में रख देगा. सो दिस इज हाउ इट हैपेंड. ये 8 साल का मेल है, ये बहुत पुराने पेयर है. दिस इज अडल्ट, बहुत टाइम से इनको यू कैन एक्चुअली में सी द स्पेस. यू कैन नॉट रियली एक्चुअली सी द स्पेस, पर मेरे पीछे बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर ये खुला घूमते हैं. और अभी बारिश का समय है तो कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर ये बैठ के मेरे को जिस तरीके से देख रहा है, द कम्फर्ट ही इज कैरिंग, यू कैन सी. फीमेल थोड़ा सा शक्की है, फीमेल अभी भी थोड़ी सी सोच रही है कि ये क्या चल रहा है. बंदर तो मस्त आराम से मैं इसको हाथ लगा सकता हूं अभी अगर चाहूं, पर अगर ये इसने नहीं चाहा तो हो गया. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. दे आर एक्सट्रीमली गॉर्जियस क्रिएचर्स, दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स. यस दे आर. और लोगों की सबको एक ही शिकायत होती है कि ये बहुत महंगे होते हैं. ये अकेला दिस ओनली बर्ड कैन कॉस्ट अराउंड 4-5 लाख रुपए का ये अकेला. And this is how it happens. इतने इतने प्यारे होते हैं ये. सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं आपके मेल को कुछ नहीं बोल रहा हूँ. तो वो फीमेल है, फीमेल इज अ लिटिल पजेसिव. फीमेल काफी ज्यादा पजेसिव है. मेल तो इज चिल आउट, मेल हमेशा चिल आउट होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है ना. फीमेल मेरे को गुस्सा कर रही है जब मैं उसके पास भी जा रहा हूँ. तो दिस इज हाउ दे आर, एकदम इंसान की तरह. दिस इज व्हाट देयर बिहेवियर इज. और इंसान को पालने से ज्यादा महंगा है ऐसे किसी पक्षी को पालना. ब्यूटिफुल क्रिएचर, मैग्निफिसेंट क्रिएचर, वेरी नाइस. जब ये पैदा होते हैं यू हैव टू टेक केयर. हम इनको सेरेलैक नहीं खिला सकते, हम इनको कुछ नहीं दे सकते. एंड यू कैन सी द साइज, इनको इतनी जगह चाहिए होती है. जब ये पैदा होते हैं इनको बेस्ट फॉर्मूला दिया जाता है. और यहाँ पर ब्राजीलियन नट्स और पता नहीं कौन से नट्स गिरे हुए हैं जो कि इन्होंने सुबह सुबह अभी खाए हैं. और ऐसे ही जो डाइट होती है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है. और जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर में रखा जाता है, ब्रूडर हम उसको बोलते हैं इंग्लिश में. और उसके साथ सब कुछ मेंटेन किया जाता है, उसका पूरा डाइट चार्ट बनता है, पूरा हेल्थ केयर, एवरीथिंग इन्वॉल्विंग एवरीथिंग. तो इतनी सारी चीज़ें हैं आपको करनी होती हैं. लोगों को पता ही नहीं होता कि इतनी बड़ी जगह हमें देनी होती है. मकाओ हर किसी को चाहिए पर किसी को नहीं पता उसके बारे में. This is how you take care of मका. And you can see feathers भी उसके एकदम बढ़िया है. और वो आराम से बैठा हुआ है, एकदम बढ़िया करके बैठा हुआ है.
सो यस आई हैव राहुल भैया विद मी. आपको अगर याद होगा नहीं होगा, निहाल पेट्स वेरी फेमस. अभी बहुत ज्यादा पफ हो गए हैं और 8 सालों से इन्होंने इनका ध्यान रखा है. सो ये आप खुद बताएंगे इनके बारे में. हाँ जी भाई, कैसे हो आप लोग? मैं मौका ढूंढता रहता हूँ वीडियो में आने के लिए, ऐसे तो भूल जाते हो आप लोग मेरे को. खैर, नेवरदेस टॉकिंग अबाउट दी मकाउस, ये मेरा 8 साल का बड़ा प्यारा सा पेयर है. ये मेल है, पीछे फीमेल है. एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप देख रहे हो ना, ये टेम्ड पेयर नहीं है, ये हाथ पे बैठने वाली चीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने मालिक से 1 फुट की दूरी पे आराम से रिलैक्स होकर बैठा हुआ है. ये बॉन्ड हमने कुछ साल लगाए तब जाकर के तो ये बॉन्ड बना है. ये जो कमरे का जो साइज है, जिसमें बारिश के टाइम पे ये इस कमरे में है, ये 16x8x10 का है. इतना मेरा बेडरूम है. आमतौर पर मैं डबल बेड डाल के आराम से यहाँ लेट भी सकता हूँ. तो मकाओ के लिए बड़ी स्पेस चाहिए, उड़ने के लिए उनको जगह चाहिए, डाइट बहुत महंगी चाहिए, और बहुत खूबसूरत बर्ड होते हैं. लेकिन जितनी खूबसूरती उतनी ज्यादा मेंटेनेंस. पता है ना, लड़कियां खूबसूरत होती है तो उनका मेकअप का सामान भी महंगा आता है. तो वैसे इनका है कि इनके जो नट्स हैं बड़े महंगे आते हैं, खाना पीना बड़ा महंगा आता है. ये मेल किसी एक टाइम पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, बट कुछ साल बिताए इसके साथ, इसको थोड़ा ट्रस्ट हुआ हमारे पर. हम तो खैर कंफर्टेबल है ही है इसके साथ. तो आज ये पेयर हमारे को हर साल कुछ प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे भी देता है. तो नन्हे नन्हे बच्चे हम अपने पास पाल लेते हैं. इंक्यूबेशन और ब्रूडिंग की प्रोसेस फिर कभी सिखाएंगे आपको. चलो जी, थैंक यू वेरी मच. अभी एनक्लोजर है अंदर, वो बारिश की वजह से है, वरना उनका एक्चुअल एनक्लोजर इज दिस. और मैं यहाँ पे चल के जाता हूँ एंड यू विल बी एबल टू सी कि कितना कितना बड़ा है ये. सो दिस इज दिस बिग. और ये इससे भी पीछे है, पर पीछे बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे ही पौधे हैं पीछे. तो इस वजह से हम और पीछे नहीं जा सकते, और बारिश की वजह से और ज्यादा हरे हुए हैं. और दिस इज वॉट यू नीड फॉर देम. नो, आपको रेज करना है एक अच्छा बर्ड, उसको घर जैसा फील कराना है, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी होती है. सो यू कैन एक्चुअली सी द साइज. मैं और पीछे नहीं जा सकता यहाँ पर. राहुल भैया, यार इनके इंक्लोजर का साइज यार. देखो वो भी हंस दिया. जिम पे पैसे बहुत लगते हैं, इसलिए मौका देखते कर देना चाहिए. पर मैं दोबारा बोलूंगा, ये राहुल भैया जिम की बातें कर रहे हैं, पर असल में जिम से महंगे ये पड़ते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर एक्सपेंसिव. इनकी केयर, एवरीथिंग, मेंटेनेंस, यस. और हमेशा अच्छा नहीं होता कि कोई भी पक्षी आपके कंधे पे आके बैठ रहा है. वो कंफर्टेबल होना चाहिए, उसका कंफर्ट अच्छा होना चाहिए, वो एंजॉय करना चाहिए उसको. इट्स अ ह्यूज प्लेस फॉर देम. इट्स अ ह्यूज ह्यूज प्लेस. सो यू कैन एक्चुअली सी दिस प्लेस. मैं यहाँ पर सो सकता हूँ डबल बेड डालकर. दिस इज द साइज ऑफ यू नो, फ्लाइंग एरिया भी है यहाँ पर. और दिस इज द साइज ऑफ केज दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. और यहाँ पर ये मेल और फीमेल मेरे को देख के थोड़े से ऐसे चौकन्ने से हैं, बट दे आर जस्ट फैबुलस क्रिएचर्स. लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये. एंड यस, यू नीड दिस टाइप ऑफ स्पेस. यहाँ पे उकसाना एंड राहुल भैया चले मिल भी, क्योंकि हम लोग उनको देख रहे हैं. हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते फॉर ऑब्वियस रीजन्स. बाहर मौसम बहुत अच्छा है, एंड यू नो यू कैन सी द ग्रीनरी पूरा बाहर, सब कुछ ग्रीन है, और अंदर भी ग्रीन होता है, पर ये सब कुछ तबाह कर देते हैं. सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. अभी बारिश का बहुत सारा समय है, तो इसलिए ऊपर शीट्स लगाई हुई हैं. दैट्स व्हाट इट इज. एंड दे आर जस्ट चिलिंग. वो हमें बैठ के देख रहे हैं, हम खड़े होकर उनको देख रहे हैं. दिस इज हाउ इट हैपेंस. ब्यूटिफुल, फैबुलस क्रिएचर्स, एंड आई एम जस्ट ऑलवेज अमेज्ड टू सी देम.